We greet each and every one of you in the most holy name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस समय हम अभिवादन करते हैं. We are so excited about the season and we are learning many, many new points to add to the knowledge of what we already have. इस सीजन के बारे में हम बहुत सी बातें बता रहे हैं और जो भी ज्ञान हमारे पास में है उसके साथ में हम बहुत सी बातों को इस समय जोड़ते जा रहे हैं. But still we pray to God that each one of you are attentive to all the things that are said so that we may grow together in the word of God. और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी यहाँ पर कहा जाता है उसके अंदर आप बहुत ध्यान से उसे सुनते चले जाएं और हम परमेश्वर के वचन में एक साथ बढ़ते जाएं. Last week I explained to you how the wise men finally reach Jerusalem. पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये बुद्धिमान जो लोग थे किस तरह से अंत में यरूशलेम पहुंचे. You must understand that these wise men followed the Balaam's prophecy. आपको याद रखना होगा कि ये बुद्धिमान लोग बिलाम की भविष्यवाणी के अनुसार वहाँ पर गए. Written in the book of Numbers, chapter 24, verse 17. जो कि गिनती की किताब अध्याय 24 वचन 17 में लिखी गई है. It is very evident that these wise men traveled mostly during the night. और ये बहुत ही सटीकता से कहा गया है कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं ये ज्यादातर रात के समय यात्रा करते थे. Now for that you must understand they had a reason. आपको समझना होगा कि इसके पीछे एक कारण था. They had to follow the stars in the dark night. अंधेरी रात में उन्हें तारे के पीछे चलना था. They were like lights in the sky. वो तो मानो आकाश में ज्योति के जैसे थे. And naturally, during the days, they used to rest. That means they used to sleep and have a good rest. और स्वाभाविक रूप में दिन के समय में वो आराम करते थे, यानी वो आराम से सो जाते थे. Here we read the historian says that these wise men came from Persia. हम यहाँ पर देखते हैं कि इतिहासकार इस तरह से लिखता है कि ये बुद्धिमान लोग पर्शिया से आए थे. They traveled approximately 700 to 800 miles. ये लगभग 700 से 800 मील की यात्रा करके वहाँ पर आए. The Bible does not say where the three wise men came from. बाइबल स्पष्ट रीति से नहीं कहती है कि ये जो तीन बुद्धिमान लोग थे वो कहाँ से आए थे. Neither does it tell. Definitely they were only three wise men. और ना ही इस तरह से बताती है कि केवल तीन ही बुद्धिमान पुरुष थे. We assume they traveled together in a group. हम अनुमान लगाते हैं कि वो एक समूह में एक साथ यात्रा कर रहे थे. And these wise men were substantially well off. और ये जो बुद्धिमान लोग थे ये तो बहुत ही धनवान ऐसे लोग थे. And they had enough for all their necessities. And I'm sure they enjoyed the traveling very much. और उनकी जो भी जरूरत थी उसके लिए उनके पास काफी था और निश्चित जानती हूँ कि उन्होंने यात्रा का आनंद उठाया होगा. The wise men would have reached Jerusalem during the day. और यरूशलेम में ये जो बुद्धिमान लोग हैं दिन के समय पहुँचे होंगे. Because the wise men, as per prophecy, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार ये जो बुद्धिमान लोग थे They went straight to the palace in search of the newborn babe. वो वहाँ पर नए जन्म बच्चे को देखने के लिए सीधा राजमहल में गए. If they had followed the prophecy strictly, they would have reached the destination of Bethlehem. और यदि वो भविष्यवाणी का सटीकता से अनुकरण करते तो वो बेतलहम के पास जाते, वहाँ पर भविष्यवाणी पूरी होती. By landing at the palace, they informed King Herod for the purpose of their visit. और वहाँ पर राजमहल में वो पहुँचे और उन्होंने राजा हेरोदेस को अपनी यात्रा के बारे में बताया. And I'm sure that this prophecy was well known because it was in the Old Testament as well as in the New Testament. और मैं निश्चित ही जानती हूँ कि भविष्यवाणी बहुत ही विख्यात थी क्योंकि ये पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है. The astrologers and the elders were called to the palace. और जो ज्योतिष थे और जो प्राचीन लोग थे उन्हें राजमहल में बुलाया गया, उसी समय बुलाया गया. By King Herod. राजा हेरोदेस ने उन्हें बुलाया. To verify where was the newborn king. इस बात को जांचने के लिए कि ये नया जन्मा राजा कहाँ पर है. And to give him back the news about this birth. और उसके जन्म के बारे में वहाँ पर उन्हें खबर दे सके. Even though this news disturbed him greatly. और हालांकि इस खबर ने ही उसे बहुत व्याकुल कर दिया. The King Herod instructed very strictly to these astrologers to bring the news very promptly. राजा हेरोदेस ने इन ज्योतिषी को लोगों को बहुत ही स्पष्टता से बताया कि वो जो खबर है वो बिल्कुल सटीकता से उसे पहुंचाई जाए. Giving specific instruction to mention the place and the birth. और जो जगह है और जो समय है उसके बारे में वो वहाँ पर सटीकता से बताएं. As I mentioned already, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, these wise men knew exactly
and they understood the movement of the stars. ये बुद्धिमान लोग इस बात को सटीकता से जानते थे और वो तारे के इस चलने को अच्छे से समझ गए थे. And King Herod and his team were in the palace. और राजा हेरोदेस और उसकी पूरी टीम वहाँ पर राजमहल में थी. And they were frantically searching for records. और वो पूरे दृढ़ता से वहाँ पर उन सारे लेखों को देखने लग गए थे. And amazingly, finally, they laid their hands on Micah. और फिर अंत में उन्होंने वहाँ पर मीका की भविष्यवाणी की किताब देखी. He is a minor prophet, you all know, from the Old Testament. आप सब जानते हैं कि पुराने नियम से वो एक छोटा भविष्यवक्ता है. Micah 5:2 reads and says very specifically, Bethlehem. और यहाँ पर मीका 5:2 में बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है बेथलेहम. One more added information. Bethlehem Ephrata, it says. यहाँ पर ये कहता है बेथलेहम इफ्राता, स्पष्ट रीति से बताता है. He called the wise men. उसने बुद्धिमान लोगों को बुलाया. And he told them about the prophecy of Micah. और मीका की भविष्यवाणी के बारे में उन्हें उसने बताया. Which was written 700 years earlier. जो कि लगभग 700 साल पहले लिखी गई थी. King David was also born in Bethlehem. राजा दाऊद भी बेथलेहम में ही जन्मा था. And that was 1,000 years earlier. और ये तो लगभग यीशु के जन्म के 1,000 साल पहले की We बात है. We read in 1 Samuel chapter 16 verse 1. हम पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 1 में इसके बारे में पढ़ते हैं. In those days, Bethlehem was a very busy and a very prosperous town. उन दिनों में जो बेथलेहम है बहुत ही व्यस्त और बहुत ही संपन्न ऐसा नगर था. After King David's reign. राजा दाऊद के राज्य के बाद में. Bethlehem became insignificant. बेथलेहम महत्वहीन ऐसा नगर हो गया. As per prophecy in Micah 5:2. मीका 5:2 में जो भविष्यवाणी है उसी के अनुसार. Saying. ये कहते हुए. Though thou be little. हालांकि तू बहुत ही छोटा है. Among the thousands of Judah. यहूदा के हजारों में तू बहुत ही छोटा है. Meaning that it was not as important. As before. मतलब ये है कि तू तो पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा है. That time King Herod did not take any initiative to also improve the place. उस समय राजा हेरोदेस ने इस जगह की उन्नति के लिए वहाँ पर कोई भी कदम नहीं उठाए थे. But King Herod was very wisely instructing the wise men to find the babe and to come and report back to him. लेकिन राजा हेरोदेस वहाँ पर उन्हें स्पष्ट रीति से बता रहा था कि वो जाकर बालक के बारे में पता लगाए और आकर उसे उसकी खबर दे. And he gave a very specific reason, that is, to worship the king. और उसने उसके बारे में बहुत ही विशेष कारण बताया कि वो उस राजा की आराधना करना चाहता है. He was very sure the wise men would come back. वो निश्चित था कि ये बुद्धिमान पुरुष उसके पास में वापस आएंगे. On the same route on their return journey. अपनी वापसी की यात्रा में वो निश्चय उसके पास में आएंगे. Because the distance between Jerusalem and Bethlehem was only approximately 9 to 10 kilometers. क्योंकि बेथलेहम और यरूशलेम के बीच की जो दूरी थी लगभग 8 या 9 किलोमीटर की ही थी. We give the traveling time approximately a few hours, that is, from for this short distance. हम ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ पर इस छोटी सी दूरी की यात्रा करने के लिए केवल कुछ ही घंटे लगते होंगे. Now the reason being that he trusted the astrologers by not sending his own men with them. और यही तो कारण था उसने उन ज्योतिषों के ऊपर भरोसा रखा और अपने लोग उनके साथ में नहीं भेजे. राजा ने अपने सिपाही उनके साथ नहीं भेजे. So we take it that King Herod would have given these wise men a royal treatment. यानी हम अनुमान लगाते हैं कि राजा हेरोदेस ने इन बुद्धिमान लोगों को राजघराने के जैसे उनके साथ व्यवहार किया. For these wise men, after seeing the baby, they will definitely come back. कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं उस बालक को देखने के बाद में निश्चय वापस आकर मुझे बताएंगे. If you read Matthew chapter 2 verses 9 and 10 and 11. अगर आप मत्ती अध्याय 2 वचन 9, 10 और 11 को पढ़ती हैं. We see Matthew very specifically writes and clearly. हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती जो है बहुत ही स्पष्टता से लिखता है. As soon as they left Jerusalem. जैसे ही वो यरूशलेम से निकले. For the destination Bethlehem. अपनी मंजिल बेथलेहम की ओर वो आगे बढ़े. They identified the same star going before them. उन्होंने ये देखा कि वही तारा उनके आगे आगे जा रहा है. And in Matthew 2:10. और मत्ती अध्याय 2 वचन 10 में. Follow with me in your Bibles. अपनी बाइबल में आप मेरे साथ में इसे पढ़ लें. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए. वचन ऐसे कहता है.
At last they knew this was the correct route to see the babe. अंत में उन्होंने जाना कि उस बालक को देखने के लिए ये रास्ता जो है बिल्कुल सही है. How specifically Matthew writes in Matthew chapter 2 verses 11. मत्ती अध्याय 2 वचन 11 में मत्ती कितनी स्पष्टता से इस बात को लिखता है. He says when they came to the house. ये कहता है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर they saw mother Mary and the young child. उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा. They fell down and worshipped him. और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया. Matthew writes the wise men came to the house to worship the babe. और मत्ती लिखता है कि बुद्धिमान जो पुरुष वहां पर आए कि उस बालक की वो आप उपासना करें, आराधना करें. But look what Luke is also a writer and you see he writes in chapter 2. अब यहां पर देखिए लूका जो कि एक लेखक है वो लूका अध्याय 2 में इस तरह से लिखता है. Chapter 2 verses 16. अध्याय 2 वचन 16 में. The shepherds came with haste and found Mary and Joseph with the babe lying in the manger. और चरवाहों ने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा. The shepherds worshipped the babe in the manger. और चरवाहे ने वहां पर चरनी में लेटे उस बालक की उपासना की आराधना की. Whereas the wise men worshipped the babe in the house. लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष थे उन्होंने घर में उसकी आराधना की. You must understand that this is very the both informations are very biblically correct. आपको ये समझना होगा कि ये जो दोनों जानकारी है ये दोनों जानकारी बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही है. The shepherds worshipped the child in the manger and the wise men worshipped the child in the house. जो चरवाहे थे उन्होंने चरनी में बालक की उपासना की और जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने घर में उस बालक की उपासना की. As the historian says, the wise men came sometime after the birth of Jesus Christ. क्योंकि इतिहासकार इस तरह से कहते हैं कि जो बुद्धिमान जो पुरुष थे वो यीशु के जन्म के कुछ समय के बाद में आए थे. We all know that Jesus was born in the stable. हम सब जानते हैं कि यीशु का जो जन्म था वो तो चरनी में हुआ था. Because of the urgency and the shortage of place. वहां पर समय की तीव्रता थी और जगह की बहुत कमी थी इसके कारण. But later it was very accurate in prophetic word. लेकिन भविष्यवाणी के रूप में ये तो पूरी तरह से बाद में बहुत ही सटीकता से हुआ. We see later Mary and Joseph shifted to a house nearby in Bethlehem. हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ उसके बाद में बेथलहम के पास के उस घर में चले गए थे. Joseph being a carpenter, he always had a temporary job. और यूसुफ जो कि एक बढ़ई था उसके पास हमेशा थोड़े समय का काम हुआ करता था. So naturally they wouldn't have had a financial problem because immediately the maintenance of the family was going on. और स्वाभाविक रूप में उन्हें किसी तरह से आर्थिक परेशानी नहीं थी क्योंकि परिवार को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो तुरंत मिल जाता था. The Bible doesn't say how many people were in that group of wise men. बाइबल स्पष्ट नहीं कहती है कि बुद्धिमान लोगों के समूह में वहां पर उस समय कितने लोग थे. But very specifically it says they brought three gifts. लेकिन बहुत ही सटीकता से ये भी कहता है कि वो तीन भेंटों को लेकर आए. Which is frankincense, gold and myrrh. जो कि सोना, मूर और लोभान था. Because of the three gifts, naturally everybody assumed they were three wise men. और इन तीन भेंटों के कारण लोग इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि वहां पर तीन बुद्धिमान पुरुष आए होंगे. And we see after worshipping the child they were exceedingly joyful and they were satisfied. I can just imagine. हम देखते हैं कि बालक को देखने के बाद में वो बहुत ही खुश हुए होंगे और संतुष्ट हुए होंगे. हम इस तरह से देख सकते हैं. So naturally they were very excited to go and tell King Herod the good news. और स्वाभाविक रूप में वो राजा हेरोदेस को इस खुशखबर के बारे में बताना चाहते थे. Their thoughts were that the child will naturally get a royal welcome. उनका विचार तो यही था कि इस बच्चे का राजघराने के अनुसार स्वागत किया जाएगा. But just look at the hand of God in Matthew chapter 2 verse 12. लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 12 में यहाँ पर परमेश्वर के हाथ को आप देखिए. There was an absolute U-turn of this whole situation. यहाँ पर पूरी जो परिस्थिति थी उसमें पूरी तरह से एक U-turn आ गया. These wise men were warned by a dream. और स्वप्न में इन बुद्धिमान पुरुषों को चेतावनी दी गई. They should not return to Jerusalem. कि वो यरूशलेम में वापस न जाएं. Or see Herod. हेरोदेस से न मिलें. They departed into their own country another way. और वो दूसरे मार्ग से अपने अपने देश में चले गए. They may not understand or know the cruel intentions of King Herod. वो राजा हेरोदेस के बुरे मकसद को वहां पर नहीं समझ पाए होंगे.
These wise men, what they did, they turned and went back to Persia. और ये जो बुद्धिमान पुरुष थे उन्होंने क्या किया, वो वापस मुड़े और पर्शिया में वापस चले गए. If we say Persia, I'm sure you will connect with the Iran of today. अगर अब मैं आपसे कहूँ कि पर्शिया, तो मैं जानती हूँ कि आज के ईरान के बारे में आप you सोचेंगे. You can just imagine the joy. आप उसके आनंद के बारे में, उनके आनंद के बारे में सोचिए. On their return journey. अपनी वापसी की यात्रा में वो कितने खुश होंगे. Now let's go back to Jerusalem. चलिए यरूशलेम में वापस चलते हैं. King Herod waited for 3 to 4 days. राजा हेरोदेस 3 या 4 दिन तक रहा, देखते रहा. Even probably a week. हो सकता है शायद एक हफ्ते तक उसने रहा देखी होगी. Because the journey by camel was just a few hours to Jerusalem. क्योंकि ऊंट के द्वारा यरूशलेम में वापस आने की जो यात्रा थी वो तो केवल कुछ ही घंटों की थी, कुछ ही दूरी Then की थी. Then we read the Bible says very accurately. King Herod was exceedingly wroth. और हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि राजा हेरोदेस बहुत ही क्रोधित हुआ. इस तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं. Meaning that he was very, very angry. इसका मतलब ये है कि उसे बहुत बहुत गुस्सा आया. Another point that Matthew says strongly that he was deceived. और एक और बात जो है कि मत्ती जो मजबूती से बताता है वो ये है कि वो भरमाया गया. And therefore the whole palace was in a confusion. और इसलिए पूरा राजमहल जो था वो पूरी तरह से गड़बड़ी में आ गया. Because of the king's changed heart and the anger he showed. राजा को जो दिल जो बदल गया था और उसने जो क्रोध दिखाया उसके कारण. As per information from the mouth of the wise men. बुद्धिमान पुरुष की जो जानकारी जो उसने दी थी उसके कारण. And we see the gospel writer in Matthew chapter 2 verse 2. मत्ती अध्याय 2 वचन 2 में यहाँ पर सुसमाचार प्रचारक का लेखक इस तरह से लिखता है. This is what Matthew writes. मत्ती उसके बारे में इस तरह से लिखता है. Wise men were told that a king was born as per prediction. और बुद्धिमान पुरुषों को बताया गया था कि अनुमान के अनुसार जो राजा है वो यहाँ पर जन्मा है. And paper of. और ये तो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुआ. A king was born to rule the Jews. यहूदियों पर राज्य करने के लिए एक राजा जन्मा है. This information of one more ruler and he was terrified. और एक और राजा यहाँ पर पैदा हुआ, इस बात को जानकर वो राजा बहुत ही गुस्से में आ गया, वो डर गया था. Now we would always understand the characteristics of each person that is involved in this beautiful scene. We see King Herod. We want to tell you a little bit more about him. इस पूरी घटना में हम यहाँ पर एक चरित्र के बारे में देखते हैं, राजा हेरोदेस. इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं. It is interesting to note that King Herod was born in the year 74 BC. ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि राजा हेरोदेस का जन्म ईसवी सन पूर्व 70 में हुआ था. He was born in Idumea, Judea. इडुमिया जो कि यहूदिया में है वहाँ पर उसका जन्म हुआ था. And we see his father's name was Antipater. और हम देखते हैं कि उसके पिताजी का नाम एंटीपेटर था. And it's good to know that his father was ranking as a very high official. और ये जानना भी अच्छी बात है कि उसके जो पिताजी थे एक बहुत ही ऊंचे पद के अधिकारी थे. His ancestors were converted from Judaism. और उसके जो पूर्वज थे वो यहूदी विचारधारा से इस मत में आए थे. Therefore, we take it naturally. Herod was raised up as a Jew. और इसलिए स्वाभाविक रूप में हम सोच सकते हैं कि हेरोदेस की जो परवरिश थी वो यहूदी के रूप में हुई थी. Let's learn a little bit about the Edomian background. चलिए एडोमिन पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ पर और कुछ जानकारी देखते हैं. If you read in Numbers chapter 20 verse 14. अगर आप गिनती अध्याय 20 वचन 14 में पढ़ते हैं. And we read in during the period of Moses. हम यहाँ पर मूसा के समय के बारे में इसे पढ़ते हैं. Israelites settled at Kadesh. हम देखते हैं कि इसराइल जो है कादेश के पास में आकर डेरा डालने लगे. During the wilderness journey. उनके जंगल की यात्रा के समय में. They had to cross Edomites kingdom. उन्हें एडोमी राज्य को पार करके जाना था. So Moses very humbly requested King Edom. और वहाँ पर मूसा ने बड़ी नम्रता से एडोम के राजा से वहाँ पर निवेदन किया. For permission to go through his land. कि वो अपने देश में से इस्राएली लोगों को उस पार जाने दे. Moses pleaded for permission to the king of Edom. मूसा ने एडोम के राजा से अनुमति के लिए वहाँ पर विनती की, वहाँ पर उनसे मदद मांगी. According to Numbers chapter 20 verse 17. गिनती अध्याय 20 वचन 17 के अनुसार. And Moses says, "Let us pass through, I pray thee." Through thy country. और मूसा ने कहा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू हमें अपने देश में से उस पार जाने दे. We will not pass through thy fields. हम तुम्हारे खेतों में से होकर नहीं जाएंगे.
or thy vineyard. और ना ही तुम्हारी दाख की बारी में से. Neither will we drink of the water from your well. और ना ही तुम्हारे कुएं में से हम पानी पिएंगे. We will go through the king's highway. और हम जो राजा का महामार्ग है उसी से उस पार चले we जाएंगे. We will not turn to the right or to the left. और ना हम दाहिने मुड़ेंगे और ना हम बाएं मुड़ेंगे. Until we have passed your borders. जब तक कि हम तेरी सीमाओं को पार न कर दें. The next verse, verse 18, this is the reply King Edom gives. और अगला वचन, वचन 18 में यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा एदोम ने इस तरह से प्रत्युत्तर दिया. He adamantly refused. उसने बड़े अहंकार से इनकार कर दिया. As well as did not give them permission to walk through the land. और साथ ही अपने देश में चलने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी. If you walk through our land, we will come with a sword. To Moses. और उसने कहा कि यदि तुम मेरे देश में से होकर जाओगे तो हम तलवार लेकर आएंगे. Thus we see King Herod comes from the Edomite's genealogy. हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस जो है इदूमी वंशावली से आता है. And his mind was very arrogant. और उसका मन जो था वो बहुत ही अहंकारी था. King Herod killed his own father-in-law. और हेरोदेस ने अपने ही ससुर की हत्या की थी. His two wives. अपनी दो पत्नियों की. And his two sons. और अपने दो बेटियों की भी हत्या की थी. This was the cruel mind of King Herod. और यही तो हेरोदेस राजा का क्रूर ऐसा मन था. Even killing his own children. यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों की हत्या करवाई थी. One more information about King Herod. राजा हेरोदेस के बारे में एक और जानकारी मैं आपको बताऊं. He comes from the Esau family. ये एसाव के परिवार से आता है. Esau, I want to remind you, is Jacob's brother, the son of Isaac. मैं आपको याद दिला दूं कि एसाव जो है याकूब का भाई था और इसहाक का पुत्र था. Then we see King Herod's genealogy was so angry. और हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस की वंशावली में कि वो बहुत ही क्रोधित व्यक्ति थे. His anger was really very terrible because he felt he was deceived. और उसका जो क्रोध था वो तो बहुत ही भयानक था क्योंकि इस तरह से बताया गया कि वो भरमाया गया था. But according to Matthew chapter 2 verse 7, लेकिन मत्ती अध्याय 2 वचन 7 के अनुसार अगर हम देखें, King Herod already got the information from the wise men. राजा हेरोदेस को इन बुद्धिमान पुरुषों की ओर से पहले ही जानकारी मिल चुकी थी. The exact time of the star's appearance. और तारे के प्रकट होने के बिल्कुल सही समय के बारे में उसे जानकारी मिली थी. Now the planning of King Herod of how to kill the babe. अब राजा हेरोदेस यहाँ पर योजना बना रहा था कि कैसे उस बालक को मार दे. Point one. पहली बात. He got the information about the time of the star. उसने उस तारे के समय के बारे में जानकारी प्राप्त की. So they made a calculation from the appearance of the star till the present time, that is for 2 years. और फिर उन्होंने इस तरह से वहाँ पर गिनती की कि जिस समय से वो तारा प्रकट हुआ उस समय सभी वर्तमान के समय तक लगभग 2 साल बीत चुके हैं. Well, actually, this is how the historians also calculate the journey of the wise men. और इसी तरह से इतिहासकार उन बुद्धिमान लोगों की यात्रा के बारे में अनुमान लगाते हैं. And give us a statement as approximately 2 years. और हमें बताते हैं कि ये जो समय था लगभग 2 साल इसके बीच में बीत गए. And they saw the child Jesus in the house. और उन्होंने बालक यीशु को घर में देखा. As per Matthew chapter 2 verse 14. मत्ती अध्याय 2 वचन 14 के अनुसार. King Herod got the information about the palace Bethlehem, Ephrata, through the prophetic word. और भविष्यवाणी के वचन के द्वारा राजा हेरोदेस ने वहाँ पर बेतलहम एफ्राता के बारे में जानकारी प्राप्त की. I'm sure you all would have know this prophecy very well by now. मीका 5:2. और मैं निश्चित ही जानती हूँ कि आप सब लोग ये भविष्यवाणी को अच्छे से जानते हैं जो मीका अध्याय 5 वचन 2 में है. Now King Herod operated his cruel plan of killing all the male children up to the 2 years in Bethlehem. और राजा हेरोदेस ने अपनी क्रूर योजना बनाई कि बेतलहम में जितने भी बच्चे लगभग 2 साल के उन सभी की हत्या कर दे. He not only did it in Bethlehem, but also the nearby district. उसने केवल बेतलहम में इसे नहीं किया लेकिन आसपास के जिलों में भी यही किया उसने. God has prepared his own plan. परमेश्वर ने अपनी ही योजना तैयार करके रखी थी. By speaking in a dream to Joseph. यूसुफ से उसने सपने में बातें की थी. Actually, we see the miracle working hand of God once again. हम यहाँ पर फिर से परमेश्वर के चमत्कार करने वाले हाथ को देखते हैं. We read in Matthew chapter 2 verse 13. मत्ती अध्याय 2 वचन 13 में हम इस तरह से पढ़ते हैं. The angel of the Lord appeared unto in a dream to Joseph saying. और परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा. And this dream says
the angel speaks to Joseph and says, arise and take the young child and his mother and flee to Egypt. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। Now the word flee, you could understand the stress and the importance of this word. They didn't walk, they didn't run, they actually fled like the wind. और देखिए भाग जा इसका मतलब यह है कि वो केवल पैदल चलते हुए ऐसे उस पार नहीं गए, लेकिन मानो हवा के झोंके के जैसे वो भागते हुए वहाँ से निकल गए। Verse 14 says, immediately they left to Egypt by night. और वचन 14 कहता है, तब वो उसी रात को उठकर वहाँ से निकल गए, मिस्र को चले गए। They left in such a desperation. वो इतनी बेताबी के साथ वहाँ से निकले। To an absolutely new place. पूरी तरह से नई ऐसी जगह पर वो गए। Now, as we come to the end of this program, we see that Jesus, just the age, tender age of 2 years, went through the problems with his parents. Mother Mary and Joseph. हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु जो कि बहुत ही कम उम्र का था, केवल 2 साल का था, वहाँ पर अपनी माता पिता, अपने पिता यूसुफ और माँ मरियम के साथ परेशानी से होकर गया। So we all hope to see you all next week, and we pray that God will bless you, open your the eyes of your heart, and we learn more and more about this wonderful story of Jesus. और निश्चय हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आशीष दे और हम यीशु के अद्भुत कहानी के बारे में और ज्यादा सीखते चले जाएं। यीशु के जन्म के बारे में हम और भी बहुत सी जानकारी को प्राप्त करते चले जाएं। See you all next week. अगले हफ्ते आप सभी से फिर मुलाकात होगी। על יום שמאיר הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא